नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। शनिवार को कड़ी धूप में चांदपुरा के ग्रामीणों ने डीलर शंकर शाह के यहां अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। इस संबंध में ग्रामीणों ने डीलर शंकर शाह के ऊपर मई माह का खाद्यान्न गायब करने का आरोप लगाते हुए बेगूसराय सदर अनुमंडल पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन दिया है। लिखित आवेदन में सविता देवी, अनीता देवी, उषा देवी, सुधा देवी, मीनाक्षी कुमारी, पिंकी देवी, चमचम देवी सहित कई कार्डधारकों ने बताया कि डीलर ने मई और जून दोनों महीनों का कोटा जून महीने में देने की बात कहकर मई महीने में ही कार्डधारकों के पॉस मशीन पर चुटकी ले लिया। लेकिन जब जून महीने में कार्डधारकों ने दोनों महीनों के कोटा देने की बात डीलर शंकर शाह से कही तो डीलर ने सिर्फ जून माह का ही कोटा दिया, जबकि राशन कार्ड पर दोनों माह का कोटा चढ़ा दिया गया है। वहीं जिन कार्डधारकों ने अभी तक पॉस मशीन पर चुटकी नहीं दिया उनके कार्ड में अप्रैल माह की अंकित है। वहीं कार्डधारकों ने यह भी आरोप लगाया है कि डीलर के द्वारा कार्डधारकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। वहीं धरना की अगुवाई कर रहे चांदपुरा पंचायत के सरपंच कृष्ण कुमार ने बताया कि डीलर का व्यवहार कार्डधारकों के साथ ठीक नहीं है। वहीं डीलर शंकर शाह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आवेदकों ने बेगूसराय सदर अनुमंडल पदाधिकारी से उक्त डीलर के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा मई माह का कोटा डीलर से दिलवाने की मांग की है, जिस पर अधिकारियों की पहल एवं उचित आश्वासन के बाद धरना को समाप्त किया गया। बेगूसराय के चांदपुरा से कुमार शशि की रिपोर्ट। नाम बोल क्या समस्या है आपके पास? के राशन नहीं दै छै? डीलर साहेब। की नाम होलन डीलर साहेब का? शंकर साहब। शंकर साहब की कहे छथिन? तोरा कार्ड में क्या आदमी के नाम छै? चार गो छै, एगो बूढ़ा काट दे। तीन गोटा के नहीं मिले? फटकार के भगा दे। क्या समस्या है? समस्या है डीलर साहब एक तो राशन देते हैं कम, उसका बाद एक महीना घोटाला कर दिए हैं, उसका बाद ज्वार जनाना जो आता है उसको कहते हैं जा जाओ भागो भागो कहाँ जाना है, सबको दबाड़ देते हैं। ये सब समस्या है, इनको पास समय नहीं मिलता है, पब्लिक को हैरान करते हैं, बराबर तंग करते हैं। इनको रिजाइन दे करके दूसरा डीलर को शिफ्ट किया जाए। रिजाइन क्यों देंगे? ये गड़बड़ करते हैं, समय पर नहीं। डीलर साहब विकलांग है ना? हाँ, वो अस्वस्थ रहते हैं? अस्वस्थ नहीं रहते हैं, जबरदस्ती करते हैं, बराबर इनको घुरा देते हैं, कभी कहते हैं जैसे